सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुआंधार विकेट कीपर, बल्लेबाज व फील्डर मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई भी धोनी के आंकड़ों का मुकाबला नहीं कर पाया और शायद यही वजह है कि भारतीय टीम को कभी दूसरा धोनी तो मिल ही नहीं सकता, लेकिन लगता है कि भारतीय टीम को जूनियर धोनी मिलने वाला है, क्योंकि मात्र 21 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोहराम मचा कर रख दिया है। आखिरकार ये विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत धोनी की जगह ले पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने के लिए भारतीय टीम बहुत ही जल्द रवाना होने वाली है। आपको बता दें कि आईसीसी का यह टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए इस टाइटल को जीतने के लिए एक से बढ़कर एक ऐसे धुरंधर को टीम में शामिल किया गया जो कि हर हालत में टीम को जिता सके, और अब तो ऋषभ पंत भी टीम के साथ है और इस बात में कोई शक नहीं कि ऋषभ पंत को दूसरा धोनी माना जाने लगा है टेस्ट क्रिकेट का। ऋषभ पंत के शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, फिर आईपीएल में प्रदर्शन किया और आखिरकार टीम में जगह पाली है। लेकिन अब एक और ऐसा ही युवा खिलाड़ी इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि बहुत ही जल्द शायद वो आपको भारतीय टीम में खेलता नजर आए, क्योंकि दोस्तों अब तक मात्र खेले गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 22 मैचों में इस खिलाड़ी ने 1378 रन जड़ दिए हैं। 15 मैचों में लगभग 550 रन लगाए और उसके बाद 7 मैचों में लगभग 800 के ऊपर रन लगा दिए। आपको बता दें कि 21 साल के इस युवा खिलाड़ी का नाम हार्दिक देसाई है जो कि सौराष्ट्र से बिलोंग करता है, और दोस्तों इतनी युवा उम्र में इस खिलाड़ी के आंकड़े जानकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक इस खिलाड़ी ने 22 मैचों की 40 इनिंग्स में ही 1378 रन बना दिए हैं, 2 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए हैं, और आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि इस खिलाड़ी ने अब तक 219 बाउंड्री तो वही 12 छक्के जड़े हैं। साथ ही दोस्तों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस खिलाड़ी के नाम लगभग 50 से ज्यादा कैचेस भी दर्ज हो चुकी हैं, और उससे भी ज्यादा खास बात तो यह है कि ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलता है। वहीं अगर T20 फॉर्मेट की बात करी जाए तो लगभग 15 मैचेस में इस खिलाड़ी ने 270 रन के आसपास बना दिए हैं, मतलब कि इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अभी से ही 100 के पार है। T20 में भी इनके नाम कई अर्धशतक दर्ज हैं और कैचेस के भी रिकॉर्ड हैं। उससे ही बड़ी बात दोस्तों यह है कि आधे से ज्यादा मैचेस में हार्दिक देसाई खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच के कई अवार्ड से नवाजा गया। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इनका प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्दी आईपीएल में खेल सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि जिस तरीके से आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, यहाँ तक कि वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका दिया गया है, ऐसे ही इस खिलाड़ी को आगे चलकर ग्रूम कराया जाएगा। परंतु आप सभी को क्या लगता है, इस खिलाड़ी को आगे चलकर भारतीय टीम में खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में होने वाली ODI सीरीज के लिए आखिरकार धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, और आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम के खिलाफ धोनी ने भारत की ऐसी प्लेइंग 11 बनाई है कि श्रीलंका की टीम के तो परखच्चे ही उड़ जाएंगे। आखिरकार वो कौन से 11 धुरंधर होंगे जो कि श्रीलंका की टीम के खिलाफ भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे, वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राहुल द्रविड़ और धोनी में से कौन एक बेहतर कोच साबित होगा भारतीय टीम का, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद क्रिकेट की दुनिया में फिर से भारतीय टीम के खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले हैं। बस अब से कुछ ही दिनों के बाद हमारे खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे और 18 जून से वो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का हिस्सा बनेंगे जो कि साउथैम्पटन में खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच भारत की एक और शानदार टीम खेल रही होगी श्रीलंका में। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में BCCI ने भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में ODI व T20 सीरीज का ऐलान किया था। पूरे जुलाई के महीने में भारतीय टीम श्रीलंका के साथ यही ODI व T20 सीरीज खेलेगी और यह पूरा दौरा 13 जुलाई से शुरू होकर लगभग 27 जुलाई तक चलेगा। दोनों ही सीरीज में 3-3 मैचेस होंगे। हालांकि अब तक BCCI ने ऑफिशियली टीम के अनाउंसमेंट तो नहीं करी है, लेकिन कई क्रिकेट पंडितों ने अपनी टीम की प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया है, और इसी बीच दोस्तों धोनी ने भी अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज बहुत ही ज्यादा अहम है। टीम में ऐसे धुरंधरों को मौका दिया जाएगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे और जरूरत पड़ने पर वो टीम के काम भी आ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बात तो साफ है कि इंडिया और श्रीलंका की टीम के बीच में होने वाली इस T20 सीरीज के लिए IPL के धुरंधरों को ही चुना जाएगा, और इसी बीच धोनी ने किन 11 सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं।
सबसे पहले दोस्तों अगर सलामी जोड़ी की बात करी जाए तो अनडाउटेडली भारतीय टीम की सलामी जोड़ी का हिस्सा बनेंगे शिखर धवन और उनका साथ देंगे देवदत्त पड़िकल या फिर पृथ्वी शॉ। दोस्तों तीनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2021 में अब तक खेले गए अपने 8-8 मैचेस में अपना लोहा मनवा दिया है। शिखर धवन दिल्ली की टीम की तरफ से नहीं बल्कि पूरे आईपीएल में अब तक सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज हैं इस सीजन के। उनके नाम तो 8 मैचों में ही 380 रन दर्ज हैं और वो टीम के बतौर ओपनर ही नहीं बल्कि कप्तान के तौर पर भी आपको इस दौरे पर दिख सकते हैं। पृथ्वी शॉ की बात करी जाए तो वो भी 300 से ज्यादा रन लगा चुके थे इस बार के सीजन में और देवदत्त पड़िकल के बल्ले से भी लगभग हर मैच में तूफानी पारी निकली थी। हालांकि वैसे कंफर्म माना जा रहा है कि धवन और पृथ्वी शॉ ही टीम की ओपनिंग जोड़ी की कमान को संभालेंगे, लेकिन पड़िकल भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकते हैं। इसके बाद 200 टीम के मिडिल ऑर्डर की कमान रहेगी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, सैयर और हार्दिक पांड्या के हाथों में। दोस्तों हर एक खिलाड़ी अपने आप में ही सवा शेर है। आईपीएल में हर किसी का नाम है, चाहे ईशान किशन हो या फिर सूर्य कुमार यादव। हर कोई खिलाड़ी मैदान में चौके और छक्कों की पारी खेलने के लिए ही पहचाना जाता है। हालांकि पांड्या उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे और अय्यर अपनी इंजरी के चलते फिलहाल टीम से बाहर थे, लेकिन इन चारों खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम को हर एक मैच में जिताने का दम रखता है। अब दोस्तों अगर बात करें स्पिनर गेंदबाजों की और ऑलराउंडर्स की तो आपको बता दें कि टीम में वरुण चक्रवर्ती को तो चुना ही जाएगा, साथ ही कृणाल पांड्या को भी हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों टीम में एक और अतिरिक्त ऑलराउंडर होने से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों फॉर्मेट में हेल्प मिलेगी और वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस तो हमेशा से ही बेहतर रही है पिछले कुछ सीजन्स में। हालांकि राहुल चहर भी टीम के लिए एक बेहतर अल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं तो वह भी टीम के साथ जाएंगे। तो वहीं अगर तेज गेंदबाजों की बात करी जाए तो टीम में भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी के साथ साथ चेतन सकारिया या फिर कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और नवदीप सैनी के पास तो रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी का वो कॉम्बिनेशन है जो कि टीम को कैसी भी हालत में जिता सकता है। तो वही चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ियों को जब मौका मिलेगा तो वह T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतर हथियार बन सकते हैं टीम के लिए। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से दिखेगी धोनी की टीम की प्लेइंग 11। हालांकि कई और खिलाड़ी जैसे कि संजू सैमसन भी टीम के साथ रहेंगे, परंतु आप सभी को क्या लगता है इस दौरे पर टीम का कप्तान किसे बनाना चाहिए, शिखर धवन या श्रेयस अय्यर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं एबी डिविलियर्स। उनके जैसा खिलाड़ी इतने ज्यादा अतरंगी शॉट लगाने वाला शायद ही कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा, परंतु लगता है कि भारतीय टीम को अब नया एबी डिविलियर्स मिलने जा रहा है क्योंकि इस खिलाड़ी ने हाल ही में जो करके दिखाया है वो तो आज तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कोई नहीं कर सका। तो आखिरकार कौन है वो युवा बल्लेबाज जो कि भारतीय टीम के लिए आने वाले समय में नया एबी डिविलियर्स साबित हो सकता है, वो तो सब आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत में कौन बेहतर छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक लंबे गैप के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम फिर से मैदान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलती नजर आएगी। इसी बीच भारत की एक और टीम श्रीलंका का दौरा करेगी और वहां पर वनडे व T20 सीरीज का हिस्सा बनेगी। तो वहीं भारतीय टीम को आगे चलकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके बाद IPL होगा और फिर T20 वर्ल्ड कप। जाहिर सी बात है कि T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की नई परीक्षाएं होंगी और ऐसी टीम बनाई जाएगी 20 से 25 खिलाड़ियों की जिसके बलबूते पर वर्ल्ड कप चाहे भारत में हो या फिर UAE में हमारी टीम उसे जीतने में कामयाब जरूर होगी। पिछले एक दशक में भारतीय टीम को अपने घरेलू क्रिकेट की वजह से ही ऐसे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, फिर वो चाहे ऋषभ पंत हो या फिर नवदीप सैनी या फिर खुद अंडर-19 के कप्तान विराट कोहली या फिर पृथ्वी शो ही क्यों ना हो। दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की सफलता में 4 चांद लगा दिए जिसके चलते हमारी टीम नई ऊंचाइयों को छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो क्रिकेट चल ही रहा है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में नए खिलाड़ियों की खोज हमेशा चलती रहती है। इसी खोज में दोस्तों भारतीय टीम को अब नया एबी डिविलियर्स भी मिलने जा रहा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं 25 साल के दिल्ली के रहने वाले मोहित अहलावत की। दोस्तों आपको बता दें कि गौतम गंभीर की इस खिलाड़ी पर नजर पड़ी, लेकिन नजर पड़ने का असली कारण इसकी धाकड़ बल्लेबाजी थी। आपके जानकर होश उड़ जाएंगे कि घरेलू T20 टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने मात्र 72 गेंदों में 300 रन जड़ दिए थे। आपने बिल्कुल सही सुना, T20 में 300 रन जो कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो दूर की बात बल्कि सैयद मुश्ताक अली जैसे टूर्नामेंट्स में भी नहीं हो पाया। अपनी शानदार पारी में दोस्तों मोहित ने 14 चौके तो वहीं 39 छक्के जड़े थे, मतलब कि लगभग 288 रन तो केवल बाउंड्री से पूरे हो चुके थे। उनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए गौतम गंभीर ने उन्होंने दिल्ली की टीम में भी शामिल कराया और आगे खेलने के मौके भी दिए।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस की अगर बात करी जाए तो इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट लगभग 75 के आसपास है। 10 मैचों में ये 225 रन लगा चुका है। और अगर लिस्ट ए मैचेस की बात करी जाए तो इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट तो 90 के पार है। 13 मैचों में अब तक 300 रन है। जिसके बाद इसी खिलाड़ी की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी एंट्री हुई। हालांकि उनमें 6 मैचेस में केवल 27 रन ही बना पाया ये खिलाड़ी। जाहिर सी बात है कि अगर इन्हें भी आगे खेलने के मौके दिए जाएंगे तो ये भारतीय टीम के लिए एक नया बल्लेबाज के तौर पर उभर सकते हैं। वाकई में दोस्तों T20 में 300 रन लगा पाना ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है और जिस हिसाब से इन्होंने अपने